नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिटी 60 और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं सिटी की खबरों के साथ। उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस में सीएसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा ने एनआईए के डीजी को लिखा पत्र। पत्र में गोविंद सिंह डोडासरा ने लिखा, उदयपुर कांड के आरोपियों का बीजेपी से कनेक्शन, आरोपियों के बीजेपी नेताओं के साथ फोटो हो रहे वायरल। वसुंधरा राजे उदयपुर पहुंची, मालदास स्ट्रीट स्थित भूत महल गली में पहुंची, जहां पर वसुंधरा राजे ने कन्हैयालाल हत्या की वारदात के स्थान को देखा। साथ ही कन्हैयालाल की दुकान के आसपास रहने वाले लोगों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के व्यापारियों से भी मुलाकात की। करने की जरूरत है, उनको भी मालूम है, अपनों को भी मालूम है। अब एनआईए भी आई है तो एनआईए भी अपना काम करेगी, साथ में राजस्थान पुलिस भी अपने काम को नहीं छोड़ेगी, कि वो तो कुछ केस संभालेंगे, कुछ केस ये संभालेंगे, और अगर मिलके इसको बहुत जल्दी ज़मीन पर लाने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि सब लोगों को, माने जो आज चिंता हो रही है और जो डर खौफ पैदा हुआ है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। इसलिए मैंने उन लोगों को भी कहा है कि जो भी एक्शन लेना है तुरंत लिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को दे दी जाए, और वो एक्शन सबके सामने हो ताकि सब लोगों को ये फील हो कि यहाँ कुछ हुआ है और उसका जवाब भी सरकार ने दिया है। सांसद दिया कुमारी आज अपने अल्प प्रवास पर उदयपुर पहुंची, जहां से वो सेक्टर 14 स्थित कन्हैयालाल के निवास पर गई और उन्होंने कन्हैयालाल के निधन पर संवेदना प्रकट की। इस दौरान दिया कुमारी ने परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया। कन्हैयालाल हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, मोहम्मद मोहसिन नाम के आरोपी को किया कोर्ट में पेश। आरोपी को 12 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया। कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ राजस्थान के हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर में बंद का ऐलान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एंकर रोहित रंजन पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र का गला दबाने को काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को किसी खबर पर आपत्ति है तो कानून प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। पत्रकार अपने जीवन को जोखिम में डालकर और उसके बाद में निष्पक्ष पत्रकारिता करने का काम करते हैं, सच दिखाने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी एक तरीके से पत्रकारिता का गला घोटने का काम राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें कर रही है, यह अनुचित है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जी न्यूज एंकर रोहित रंजन के आवास पर घुसकर परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की जो कोशिश की गई उसका विरोध राजस्थान के युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। निंदनीय घटना हुई है, इस तरह का अगर पत्रकारों के साथ किया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। आज के युवा जो है इस बात के लिए बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। वहाँ पे 5 बजे जाना, वो भी बिना आईडीज के साथ जाना पुलिस वालों का, वो बहुत गलत था। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, वो भी बहुत ज़्यादा गलत था। IFWJ राजस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया और छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। उपेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। स्पष्ट और निष्पक्ष होकर के कोई बात करता है और जो बात राजनीतिक दलों को चुभती है तो सीधा पत्रकारों पर इसी तरह से गिरफ्तारी की प्रक्रिया को बनाकर सत्ता का दुरुपयोग कर और वो एक मानसिक दबाव बनाती है उनके ऊपर। IFWJ राजस्थान प्रदेश इकाई इसका कड़ा विरोध करती है। राजस्थान भर में राष्ट्रपति महोदय के नाम इसके लिए ज्ञापन दिए जाएंगे और IFWJ अपने साथी रोहित रंजन जी के साथ में है। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में आज सवाई माधोपुर पूर्णतया बंद है। जिला मुख्यालय के सारे बाजार सुबह सवेरे से बंद है। सर्व समाज के आह्वान पर आज सवाई माधोपुर बंद रखा गया है। धौलपुर के सर मथुरा में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर हत्याकांड के विरोध में सर मथुरा कस्बे के पास आज बंद रहे निजी शिक्षण संस्थानों और फल सब्जी वालों ने भी बंद का समर्थन किया। हिंदू संगठनों के आह्वान पर दुकानदारों ने किया है स्वैच्छिक बंद का समर्थन। मानसून ने दी बिजली कंपनियों को राहत, प्रतिदिन की विद्युत मांग 10,000 मेगावाट से आई नीचे। अप्रैल, मई और जून में औसत 13,500 मेगावाट प्रतिदिन रही मांग, 15,000 मेगावाट पे पहुंचे थे विद्युत मांग। ज्यादातर इलाकों में बारिश होने से बिजली की मांग में आई कमी, घटकर 20 से 21 करोड़ यूनिट रह गई है विद्युत मांग। कोटा में हिस्ट्री शीटर के घर पर फायरिंग का सीसीटीवी आया सामने। हिस्ट्री शीटर गुड्डू हजरत के घर के बाहर का वीडियो, बदमाशों की गैंग वॉर और फायरिंग से मचा हड़कंप, फायरिंग में किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान। जयपुर के करधनी इलाके में व्यापारी से मारपीट का मामला, मारपीट कर 25,000 रुपए लूट ले गए बदमाश। कार सवार दो बदमाशों ने रुकवाई व्यापारी मनोज की कार, नीचे उतार कर मारपीट करके छीने 25,000। जयपुर में जगतपुरा इलाके में गोदाम में लगी आग, हेलमेट के गोदाम में देर रात लगी आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे का अंदेशा।
सीकर के नीमका थाना सदर थाना अंतर्गत चोरों ने एक डीजल बक शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दो महीने में करीब दो बार चोरी कर करीब 5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की पूरी वारदात वर्कशॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बीकानेर के खाजूवाला में हुए सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद दंतोर अस्पताल में 8 घंटे बवाल हुआ। आखिरकार ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में देर रात को वार्ता के दौरान सहमति बनी। राजसमंद के भीम में पुलिसकर्मी भजे राम पर एक युवक द्वारा अचानक धारदार हथियार से हमला कर घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा। आरोपी को दबोचने के दौरान पुलिसकर्मियों पर आरोपी ने वार किया था। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से डॉक्टर सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने की मुलाकात। ईआरसीपी पर दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे हुई वार्ता। ईआरसीपी योजना के तहत दौसा जिले को लाभ मिले इसके लिए जल्द ही कार्य शुरू करने पर चर्चा। सिंधड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार में रखे लगभग 2 लाख रुपए का डोडा पोस्ट सहित कार को किया जब्त। आरोपी कार छोड़कर जंगलों की तरफ भागे, पुलिस कर रही है तलाश। अजमेर के बुधवाड़ा में कृषि कार्य करते वक्त करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। खेत पर फसल की सिंचाई के लिए पंप की स्टार्ट करते वक्त करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस को जांच सौंपी गई। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में हादसा पेश आया, जहां पर जंप पर बाइक के पीछे बैठा एक व्यक्ति उछलकर नीचे गिर गया। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू की है। बांसवाड़ा जिला पुलिस ने युवती के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोपी को मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। आरोपी की तलाश पुलिस पिछले 10 दिनों से कर रही है। बांसवाड़ा जिले में घर के बाहर बैठी 12 साल की लड़की को सांप ने डस लिया। सांप के डसने के बाद लड़की अचेत हो गई, जिस पर परिजन उसे स्थानीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन प्राथमिक इलाज के बाद बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। चुरू के रतनगढ़ में प्रसूता नवजात की मौत का मामला पकड़ता जा रहा है। तूल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ताला लगाकर किया गया प्रदर्शन। आक्रोशित ग्रामीणों ने चिकित्सा स्टाफ को बाहर निकाल कर लगाया ताला। कल डिलीवरी के दौरान प्रसूता और बच्चे की हुई थी मौत। उदयपुर हत्याकांड का जिले में विरोध जारी है। 12 जिले के बावरगढ़ सिसवाली कीलवाड़ा कस्बे रहा बंद। बंद में व्यापारियों ने भी आगे बढ़कर अपना सहयोग दिया, जिसके चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। धौलपुर के बाड़ी में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक की मां के बालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। 14 माह पहले हुई थी मृतक संगीता की मौत। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में देर रात पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लूट की वारदात सामने आई है। 2 बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। पिस्टल दिखाकर रुपयों से भरा बैग लूट कर बदमाश फरार हो गए। श्रीगंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। अनूपगढ़ रोडवेज डिपो का यूडीसी भूपराज हुआ ट्रैप। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। परिवादी कंडक्टर मोहनलाल से पुराने रिमार्क को दुरुस्त करने और 3 बे टिकट मिली सवारियों का पेनाल्टी नहीं लगाने के एवज में रिश्वत की डिमांड की थी। यूडीसी भूपराम को 15,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। यह रिश्वत की राशि जो है परिवादी मोहनलाल द्वारा अवैध सवारियां पकड़ी जाने पर उसका फैसला करवाने के एवज में उच्च अधिकारियों को देने के लिए जो राशि प्राप्त की गई है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया में बजरिया के बीचों बीच शर्मा होटल और भोजनालय पर अचानक से आग लग गई। दूसरे मंजिल पर बने किचन एरिया में अचानक से चिमनी के कारण आग लग गई। गनीमत रही कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। अलवर के भीवाड़ी में फूलबाग थाना क्षेत्र में सोमवार को एक्सिस बैंक में हुई लूट का अभी तक नहीं हुआ खुलासा। पुलिस 24 घंटे बाद तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा पाई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनाई गई। राजसमंद के कूरत में कस्बे में चोरों की मौज है। चोरों ने एक मकान को बनाया निशाना। लाखों रुपए के आभूषण पर किया हाथ साफ। बांसवाड़ा की गढ़ी में पूर्व सरपंच का मिला शव। सड़क किनारे झाड़ियों में मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 5 दिन से लापता थे झड़स पंचायत के पूर्व सरपंच मोहनलाल डोडियाल। अजमेर के बुराई क्षेत्र में रहने वाले गोविंद राम की बेटी ने 2 साल बाद मंगेतर से सगाई टूटने पर घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान पूजा ने सुसाइड नोट लिखकर इसके लिए मंगेतर और उसकी गर्लफ्रेंड को जिम्मेदार बताया। जोधपुर के शेरगढ़ में 2 ट्रकों की टक्कर होने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे के बाद 3 लोगों के शव मिले। सरदार शहर में रोडवेज से उठने लगा धुएं का गुब्बार। पंचायत समिति के सामने रोडवेज बस को तत्काल रोका गया। रोडवेज की खिड़कियों से कूदने लगे यात्री। बस अनूपगढ़ से जा रही थी जयपुर। बांसवाड़ा जिले में रात को अज्ञात वाहन ने नेशनल हाईवे पर बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों के मौके पर ही मौत। पुलिस ने दोनों शवों को चिकित्सालय के मोर्चे में रखवाया। वहीं आज दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। इसमें 2 लड़के बाइक से जा रहे थे कमलेश व खुश। तो मौके पे खुश पिता रखमा की तुरंत मृत्यु हो गई। कमलेश को 108 से MGS में भर्ती कराया था, जो रात्रि दौरा ने इलाज उसकी भी मृत्यु। दोनों का टीम कराया जा रहा है।
जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र के गांव लीलावाली में अज्ञात वाहन के चपेट में आ जाने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल बाइक सवार को 108 एम्बुलेंस से राजकीय जिला अस्पताल हनुमानगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया। अज्ञात वाहन का अभी पता नहीं चल पाया है, तो वहीं युवक की पहचान हरियाणा के चौटाला निवासी के रूप में हुई है। पुत्र चिंदीलाल जाति जाट, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी चौटाला, हरियाणा का निवासी है, जो मोटरसाइकिल पर सवार था। इसका अचानक किसी अज्ञात वाहन के साथ में गांव नीलावाड़ी के बस स्टैंड के आसपास में जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। इनके काफी चोटें लगी हुई है, हालात काफी नाजुक है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला में एक डंपर ने आगे चल रही बाइक को मारी टक्कर। टक्कर के बाद बाइक आगे निर्माणाधीन पुलिया के नीचे गिर गई। हादसे में बाइक सवारी की युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। सरदार शहर में करंट लगने से 30 वर्षीय किसान की हुई मौत। जीएसएस से बिजली बंद करवा कर किसान अपने खेत में ट्रांसफार्मर का काम करवा रहा था। इसी दौरान विद्युत विभाग के कर्मचारी 10 मिनट बाद ही चालू कर दी बिजली सप्लाई। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मेगा हाईवे पर गोगासर और चैनपुरा के बीच किसी अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी थी टक्कर। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज जंक्शन और टाउन दोनों बाजार पूरी तरीके से बंद रहे। सर्व समाज के आह्वान के मद्देनजर पूरे बाजार में व्यापारियों ने प्रतिष्ठानों को बंद कर लोकतांत्रिक तरीके से घटना का विरोध किया। वहीं बंद के दौरान पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस जघन्य हत्या के विरोध में अपनी मन मस्तिष्क का एक दिखाया है कि हम किसी भी मुद्दे पर देश के साथ हैं और कोई भी ऐसी घटना अगर होगी तो पूरा समाज जो है स्वतः अपने ही स्वतः सपूर्त बंद करके बाहर निकलेगा। राजसमंद के भीम में कांस्टेबल पर धारदार हथियार से हमला। मामले में कांस्टेबल पर हमले की घटना से कलेक्टर एसपी काफी नाराज है। पिछले 7 दिन से राजसमंद के भीम और देवगढ़ में इंटरनेट बंद है। पुलिसकर्मियों पर हमले का मुख्य कारण झूठी अफवाह बताया जा रहा है। राजसमंद कलेक्टर नीलाब सक्सेना ने कहा कि झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भीम के व्यापारी बाजार खोलने के लिए स्वतंत्र हैं, धारा 144 लागू रहे। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं समस्त मीडिया वासियों से और इनफैक्ट आम जन से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि कोई भी रूमर अपने पास किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आती है तो तत्काल प्रशासन या पुलिस को उससे अवगत कराएं, ताकि हम उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत ले सकें। जैसे ही बाजार वगैरह खुलेंगे नॉर्मलसी होगी। हम अभी सिर्फ भीम और देवगढ़ में हमने नेटबंदी कर रखी है, उसको भी हम सुचारू रूप से चालू करेंगे। 12 के मांगडोल में राजस्थान सरकार द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में जहां महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की घोषणा की तो विद्यालय को इसके लिए क्रमोन्नत किया गया। वहीं भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। सरकार ने महात्मा गांधी विद्यालय मांगडोल में खोला गया है, लेकिन यहां पर बिल्डिंग की बहुत कमी है। यहाँ पर 2 कमरे हैं, पूरा भवन जर्जर हो रहा है, जो कभी भी गिर सकता है। इस वजह से हम इनमें बालकों को बिठाने में भी असमर्थ हैं। हमने इस बिल्डिंग को चेंज कराने के लिए हमारे अधिकारियों को लिख दिया है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अधिकारी हमारे इस भवन को कभी स्थानांतरित दूसरे विद्यालय में करते हैं, नहीं तो यहाँ पर ये स्कूल के देखते हुए यहाँ बच्चों को 250 बच्चों को बैठाना मुश्किल है। जयपुर में जेडीए के जोन नंबर 7 में सीलिंग की कार्रवाई। 5 मंजिला बिल्डिंग को किया गया सीज। आवासीय भूखंड में बिना जेडीए के स्वीकृति अनुमति के हुआ था निर्माण। जंगली जीवों पर भी प्लास्टिक का असर देखा जा रहा है। जयपुर के कलिश स्मृति वन में एक सांप नेट की जाली में फंस गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद नेट को काट कर रॉयल स्नेक को बाहर निकाला गया। बांसवाड़ा में वकीलों को धमकी भरा पत्र लिखने का मामला। गिरफ्तार करने वाली टीम को किया गया सम्मानित। पुलिस ने 24 घंटे में किया था आरोपी को गिरफ्तार। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष नवल किशोर शर्मा की जयंती आज। पीसीसी मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री विजेंद्र ओला, राज्य मंत्री मुमताज मसीह, विधायक गजराज खटाना ने श्रद्धांजलि। कोडा की ग्राम पंचायत कोडा रसूलपुर में स्थित गुर्जर बस्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त पड़ी है। स्कूल में आवारा जानवरों का जमावड़ा रहता है। इस वक्त आपको लिए चलते हैं जयपुर सीधे, जहां पर नए जिलाधिकारी अपना पदभार संभाल रहे हैं। वैसे और नवाचार अन्य किए जाए। सर क्या सर आपके दिमाग क्या सब कुछ नया जयपुर की जनता के लिए? जैसे जैसे जो जिस समय की जो प्राथमिकता होगी उस हिसाब से नवाचार किए जाएंगे उसी फील्ड। सर कहा जाता है कि आम पब्लिक के लिए आपके दरवाजे खुले रहते हैं सर, पर्ची सिस्टम का क्या सब कुछ रहेगा सर? जी जो लोग अपनी शिकायतें आमजन से समस्या लेके आते वो कभी भी आ सकते हैं। अगर हम कोई मीटिंग में या फिर अन्य द्वार पर व्यस्त नहीं हुए तो किसी भी समय पर हम मिल सकते हैं।
सर, आपके अन्य दिनों में सुना है कि सुबह या शाम को मीटिंग होती है, दिन भर आपका जनसुनवाई का दौर चलता है, क्या इस तरह रहेगा सर? वो शेड्यूल हम जल्दी निकाल देंगे कि किस टाइम पे मीटिंग होगी, किस टाइम पे दौरे होंगे, और कुछ अनप्रेडिक्टेड होते हैं, कुछ चीज़ें प्लान नहीं होती, वो अनप्लान जो होगी उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें प्लान रहेगी। तो जिलाधिकारी को आप सुन रहे थे, और पदभार ग्रहण करने के बाद साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जितने भी समस्याएं यहां की हैं और जो लोग आएंगे यहां पर फरियाद लेकर, इसके अलावा जो एक जिलाधिकारी के तौर पर पूरे इस जिले के लिए बेहतर हो सकता है उस पर फोकस रहेगा। तो एक बार फिर से रुक करते हैं सिटी 60 खबरों की तरफ। धौलपुर से बड़ी खबर, बाड़ी में दरअसल हंगामेदार रही नगर पालिका के साधारण सभा की बैठक, सफाई, रोड लाइट, खराब ड्रेनेज सिस्टम, खरंजा नाला निर्माण सहित कई मुद्दों पर आक्रोशित दिखे पार्षद, अब तक नगर पालिका द्वारा कोई भी काम नहीं करवाने का पार्षदों ने आरोप लगाया है। आईएएस टीना डाबी को सरकार ने जैसलमेर कलेक्टर के पद पर लगाया है। अब टीना डाबी कल जैसलमेर कलेक्ट्रेट के यानी कलेक्टर के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगी। सचिवालय में आज उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुलदस्ते भेंट करके शुभकामनाएं दी। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक नया टाइगर लाया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित गांधी जूलॉजिकल पार्क सड़क मार्ग से टाइगर शिवाजी को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। हमने अपने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक पेयर वुल्फ का, एक पेयर इंडियन फॉक्स के साथ साथ एक फीमेल लेपर्ड उनको दी थी। उसके एक्सचेंज में हमको एक रॉयल बंगाल टाइगर मेल हमें मिला है। इसकी एज 4 इयर्स है और ये काफ़ी यंग है। तो हमारे यहाँ पे पहले जो लास्ट ईयर जो फीमेल टाइगर्स रानी लेके आए थे, तो उसके साथ इसका पेयर बनाया जाएगा। जयपुर के बगरू में नामदेव छिपा समाज का भामाशाह वरिष्ठ जन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक भोज में हजारों समाज बंधुओं ने शिरकत की। जयपुर में राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार बुनियादी शिक्षा, साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का द्वितीय चरण का शुभारंभ हो गया है। जो संख्या ज्ञान और जो बुनियादी साक्षरता है कि अक्षर ज्ञान किस प्रकार कराया जाए, इस प्रकार का ये प्रशिक्षण है, 6 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें हमारे रमेश जी गुरु, परमेश्वर प्रजापति और विजयलक्ष्मी जैन ये दक्ष प्रशिक्षण के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये प्रशिक्षण गैर आवश्यक है और दिन में इनको सुख सुविधाओं के हिसाब से 1 टन का भोजन और चाय नाश्ता दिया जा रहा है। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा बौली दौरे पर रही। विधायक इंदिरा मीणा ने भिडोली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9 निर्मित 3 कक्षों का लोकार्पण किया। साथ ही एक धार्मिक आयोजन में शिरकत की। नवीन कक्षों के लिए स्टाफ और ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। वहीं इंदिरा मीणा ने बौली स्थित आवास पर जनसुनवाई कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना। बहुत सारी लोगों की जन समस्याएं हैं, उनका निस्तारण किया, संबंधित डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और सभी को साथ के साथ इनका निस्तारण करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए मैं हमेशा कटिबद्ध रहती हूँ और जो भी समस्याएं होती हैं उसके लिए हमेशा उनके समय समय पर इनके निस्तारण के लिए अधिकारियों के साथ में इनकी समस्याएं सुनने का काम करती हूँ। आज यहाँ निवास में सुनी। बाड़मेर शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महावीर नगर को भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अब अंग्रेजी माध्यम स्कूल का विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत होने के बाद हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले हमारे बच्चों को यहाँ के शिक्षकों द्वारा टीसी दी जा रही है। ये दिक्कत है कि हमारा बच्चे अभी 5, हम मजदूर आदमी और कक्षा 5 और 6 तक पहुँच चुके हैं, हमारे बच्चे अब इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे, और हम मजदूर आदमी हैं, कैसे पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को, और ट्यूशन भी चाहिए। हम लोग तो मजदूर हैं, हमें इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो घर पे हम कैसे ध्यान देंगे और कैसे पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम। चल ठीक है, स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, घर पे कौन ध्यान रखेगा। और हिंदी मीडियम है तो हम भी पढ़ चुके हैं 8वीं 10वीं, तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं घर पे। सीकर राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राजस्थान में प्लास्टिक पर बैन लगा दिया। आदेश को लागू करवाने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ली। मीटिंग में जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार और वीडियो को निर्देश दिए गए कि अपने अपने क्षेत्र में प्लास्टिक बंद के आदेश के पूर्ण तरीके से पालना करवाएं। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त पर कागज से बनी वस्तुओं को लागू किया जाए। मैं सभी से, आम जनता से, व्यापारियों से, सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि प्लास्टिक का उपयोग अपने जीवन में अपने को ख़त्म करना है। ये कोई केवल सरकारी निर्देश की पालना करने की बात नहीं है।
ब्यावर में उत्तर पश्चिमी रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से रैली का आयोजन किया गया। जयपुर से शुक्रवार को रवाना हुई रैली ब्यावर स्टेशन पहुंची। अजमेर में अंजुमन कमेटी ने आज एक बयान जारी कर खादिम सलमान चिश्ती के उस वीडियो से अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसमें वो नुपुर शर्मा के सर को काट कर लाने वालों को अपना मकान और जमीन इनाम में देने के बाद कह रहे हैं।